राजभर ने मीडिया के सामने अखिलेश को लिया आड़े हाथ। राजभर बोले, अखिलेश को जीतना है 2024 तो करना होगा ऐसा। ममता बनर्जी को लेकर भी राजभर ने अखिलेश पर कसा तंज। के अखिलेश यादव जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए दिल्ली में काम कर रहे हैं, आप बताइए कि ममता जी को ला करके बनारस में देख लिया? ममता जी को बनारस ले आए थे साथ में और देखा भी, लालू जी कई वोट दिलाएंगे, ममता जी कई वोट दिलाएंगी, केसीआर कई वोट दिलाएंगी? अरे वोट वाले नेता तो यूपी में है, मायावती जी वोट वाली नेता है, कांग्रेस पार्टी नीतीश जी वोट वाले नेता, इनको नहीं पकड़ रहे हैं। काय का चुनाव, पार्टी अपने दम पर अकेली चुनाव लड़ेगी। हम लोग बूथ स्तर से लेकर के ब्लॉक विधानसभा जिला मंडल के पदाधिकारियों की समीक्षा होती रहती है, जहां कमियां रह गई हैं उस बात को पूरा करने के लिए और हमारे नेता लगाए गए हैं कि उस काम को जल्दी पूरा कर लिया जाए। निकाय चुनाव हम लोगों के सर पे जल्दी ही होने वाला है ये बात, और इनको बताया गया कि गाँव में जाओ, जातिवार जनगणना, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा, घरेलू बिजली का बिल माफी, गरीबों का इलाज फ्री करने के सवाल पे गांव में जाकर के चर्चा करो और इस चर्चा करके लोगों को अपने साथ जोड़ो। अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे, वो टाइम आएगा तो बताएंगे आपको। हम तो कमर यहीं यूपी नहीं है, बिहारो कसे हैं। अखिलेश यादव जा रहे हैं, अभी गए थे बंगाल में कारगरी बैठक के लेकर, तमाम तरह की चीजें चल रही है, कैसे देखो उसको आप? देखिए अखिलेश यादव जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए दिल्ली में काम कर रहे हैं, आप बताइए कि ममता जी को ला करके बनारस में देख लिया? ममता जी को बनारस ले आए थे साथ में और देखा भी कि बनारस में ला करके क्या रिजल्ट रहा? ममता जी आकर के यूपी में कितनी मदद करेंगे अखिलेश? केसीआर आकर के कितनी मदद करेंगे? लालू जी आके कितनी मदद करेंगे? ये साबित होता है कि अखिलेश यादव जी जो तीसरा फंड बना रहे हैं वो बीजेपी को जिताने के लिए बना रहे हैं। अगर वो बीजेपी को हराने के लिए बनाना चाहते हैं तो स्टूल पर नहीं, मायावती के यहाँ जाके कुर्सी पर बैठना चाहिए, नीतीश जी के यहाँ जाके कुर्सी पर बैठना चाहिए, कांग्रेस के यहाँ सोनिया जी के यहाँ जाके कुर्सी पर बैठना चाहिए। ये गठबंधन कारगर होगा, न कि ये दूसरे स्टेटों से ला करके दिखा करके आपको नहीं मिलने वाला है। इस नाते साफ साफ जाहिर होता है कि ये बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी की जो बैठने जा रहे हैं, अब क्या कहेंगे आप? लालू जी कई वोट दिलाएंगे, ममता जी कई वोट दिलाएंगी, केसीआर कई वोट दिलाएंगी? अरे वोट वाले नेता तो यूपी में है, मायावती जी वोट वाली नेता है, कांग्रेस पार्टी नीतीश जी वोट वाले नेता, इनको नहीं पकड़ रहे हैं।